इन तीनों को गीता में बुद्धि योग शब्द से कहते हैं। जो मजहबी पुस्तक होते हैं उनमें वेशभूषा की प्रधानता रहती है, उसके लिए एक वेश चाहिए हो, उसके लिए खतना कराना होता है, बपतिस्मा कराना होता है, ऐसे ही और भी समझ लो। गीता में न तो रुद्राक्ष या तुलसी की माला का जिक्र है और न तो लाल पीले कपड़े का जिक्र है और न तो आड़े खड़े चंदन का जिक्र है, है ही नहीं कहे। इसका अर्थ है कि गीता मनुष्य मात्र के लिए है, गीता एक खास फिरके के लिए, एक पंथ में चलने वालों के लिए, एक पादरी, एक मौलवी, एक पंडित, एक पुरोहित के पीछे चलने वालों के लिए गीता नहीं है। गीता मनुष्य को दृष्टि में रखकर कही गई है, मनुष्य के लिए गीता है। इसी से आप देखेंगे उत्तम उद्देश्य सामने रखकर काम करो, परंतु वो उद्देश्य मैं ही पूर्ण कर लूंगा ये ख्याल मत करो। उद्देश्य अच्छा है तो हम नहीं हमारी अगली पीढ़ी, हम नहीं हमारे भाई, अंशुमान गंगा को नहीं ला सके तो दलीप लाएंगे, दिलीप लाएंगे और दिलीप का, किसी ने दिलीप का दिलीप बना दिया है, दिलीप दिल्लीम पादी जो दिल्ली की रक्षा करे, ये संस्कृत के पंडितों की माया है, वैसे दिलीप शब्द है। दिलीप नहीं ला सके तो अधीरथ लाएंगे। उद्देश्य है गंगा लाना, हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उत्तम उद्देश्य है और उसमें सफलता वो समष्टि के हाथ में है, समष्टि के अंतर्यामी ईश्वर के हाथ में है। सिद्ध सिद्धियो समूतवा समर्पण योग उच्चते, सकाम कर्म दूसरी वस्तु है और सोद्देश्य कर्म दूसरी वस्तु है। उद्देश्य के बारे में पहले से सोच विचार कर ये उद्देश्य प्राप्त करना है और इसके लिए ये साधना है, ये कर्म है, ऐसे कर्म साधना करने चाहिए। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, देखो एक मनुष्य जीवन की कितनी बढ़िया झांकी है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करो, परंतु सुख दुख दोनों को समान करो। सुख दुख में शब्द में भी समता है, आप देखना खा है ना, तो दोनों में खा है, सुख में भी खा है और दुख में भी ख, ख माने आकाश, और कभी खुला होता है चांदनी छिड़कती है, निर्मल होता है, कभी तूफान आता है, आंधी आती है, बरसात होती है, उसको दुख बोलेंगे, जिस दिन निर्मल है उस दिन सू है, पर आकाश आकाश है ये। तो सू में भी ख देखो, दुख में भी ख देखो, सब देखो, सब सम माने मान सहित, प्रमाण सहित, परमात्मा मया सह, मया लक्ष्म्या, मया प्रमया, मया शोभया सहित समान,
सब में एक शोभा है, सुख में भी एक सौंदर्य है, दुख में भी एक सौंदर्य है, संपत्ति में भी एक सौंदर्य है, विपत्ति में भी एक सौंदर्य है, जय में भी एक सौंदर्य है, पराजय में भी एक सौंदर्य है। लाभ हानि जीवन के द्वंद्व हैं, जय पराजय जीवन के द्वंद्व हैं, सुख दुख जीवन के द्वंद्व हैं। फिर लगे रहो कर्म में, कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई संकट नहीं। यदि युद्ध से विमुख हो जाओगे तो कर्तव्य च्युति रूप पाप लगेगा, और यदि तुम डट के अपने कर्तव्य पालन में संलग्न हो, यही मनुष्य का धर्म है। उस दृढ़ता भी मनुष्य का एक धर्म है। आशिष्ठो दृढ़िष्ठा, आशावान हो और दृढ़ रहे अपने कर्तव्य पथ में, दृढ़ रहे, मनुष्य के लिए ये आवश्यक है। और उत्साह में रहे, क्रिया सिद्धि सत्वे बसती महताम नोपकरण, उसके लिए बहुत धन नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, उपकरण नहीं चाहिए। कर्तव्य क्या चाहिए? सत्व, सत्व माने सत्व गुण का नहीं, सत्व माने अंतकरण का नहीं, सत्व माने बल का नहीं, सत्व माने धैर्य का नहीं, सत्व माने उत्साह। मनुष्य के जीवन में उत्साह है, उद्देश्य प्राप्ति के प्रति आशा रहे और दृढ़ता से अपने कर्म में लगा रहे, बस मनुष्य जीवन का आनंद उसको मिलता रहेगा। आप अपने आनंद को फल में मत रखिए, अपने पास रखिए। फल जरा दूर हो जाता है ना, फल गया बेचारा भविष्य में, या फल गया अमेरिका में, या फल गया स्वर्ग में, दूसरे देश में फल को मत, है ना, फल तो दूसरे देश में जाएगा, दूसरे काल में जाएगा, फल दूसरी वस्तु की प्राप्ति में जाएगा, तो आपका सुख आपसे अलग होके फल में चला गया, आप सुखहीन हो गए, ठन ठन पार। जब आपने सुख को ही उठा के स्वर्ग में फेंक दिया, अपने फल को ही उठा के 10-20-50 वर्ष बाद फेंक दिया, आपका सुख कहाँ रहता है? कभी 10 वर्ष बाद मिलेगा? आपका सुख कहाँ है? स्वर्ग में जाने पर मिलेगा। तो भाई इतना हीरा, इतना मोती, इतना रुपया मिलेगा तब हम सुखी होंगे? आपने अपने सुख को उठा के जड़ वस्तु में, दूर देश में, दूर काल में फेंक दिया, आप क्या रहे? आपके पास तो कुछ नहीं रहा, ठन ठन पाल। तो ये समत्व अपने जीवन में, जो समत्व है, ये कौशल जीवन में आना चाहिए। कौशल माने कुशलता, निपुणता, ऐसी निपुणता होनी चाहिए जीवन में कि अपना सुख अपने से दूर ना हो, उसके मिलने में देर ना हो, वो दूसरा ना हो, सुख दूसरा ना हो, सुख में देर ना हो। देर होती है काल में और दूरी होती है देश में, और दूसरा होता है पराया। अपने सुख को पराये में मत रखो, दूर मत रखो, देर मत करो, अभी अभी आप सुख अपने पास रखो। तो उत्साह में क्रिया सिद्धि सत्वे बसति महताम नोपकरणे, महापुरुष अपनी क्रिया सिद्धि को अपने उत्साह में रखते हैं। उत्साह बना हुआ है तो सुखी, और उत्साह टूट गया बस। सुनते हैं एक बिल्ली किसी घर में बंद हो गई हो, तो देखा कोई चीज ऊपर सफेद सफेद रखती है, तो उसका ख्याल हुआ कि कुछ दूध दही मलाई ही कुछ ऊपर है, तो सफेद सफेद चमक रहा है, तो वो छलांग भरे उसको पाने के लिए, और
नीचे आ जाए, छलांग भरे तीन दिन चार दिन पांच दिन, वो इस आशा में कि ये दूध दही मक्खन हमको मिल जाएगा, छलांग भरती रहे। एक बार पहुंच गए, जब तक उसके मन में उत्साह था तब तक तो वो उछलती कूदती थी, लेकिन जब वहां पहुंची तो वो सफेद चीज कोई क्रीम रखी हुई थी, उसके खाने की नहीं थी, कोई रुई का गोला था। जब उसको मालूम हुआ अरे यहाँ तो वो चीज नहीं है जिसके लिए मैं छलांग भर रही थी, बस उस पार जब गिरी तो फिर नहीं उठी, मर गए, उत्साह टूट गया। तो मनुष्य का जीवन उत्साह से सफलता प्राप्त करता है, चले चलो, इसीलिए उपनिषद का कहना है चले चलो, चरई वेति चरण वई मधुबिंदति, जो चलता है उसको शहद मिलती है, चरण वई मधुबिंदति, जो चलने ही बंद कर देगा उसको क्या मिलेगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो चलने का भी एक तरीका है, एक रीति है, एक शैली है, एक प्रणाली है। कभी नाली में से भी निकल जाते हैं, छोटी सी नाली हो प्रणाली हो, प्रणाली का नाली है वो नाली, कभी शैल से पर्वत से जो धारा गिरती है शैली, शिलोच्चय से जो निकली गंगा जी की धारा, गंगा जी की धारा जमुना जी की धारा है शैली है, कोई प्रणाली छोटी होती है शैली जरा बड़ी होती है विस्तीर्ण। चले तो जीवन में दुख आते हैं सुख आते हैं। अब देखो मानव धर्म क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ति पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। ये है गीता का मनुष्य, जब रास्ते में चलते हैं तो कहीं ठंडी हवा आती है कहीं गर्म हवा आती है, कहीं अपने मन का भोजन मिलता है कहीं नहीं मिलता, कहीं सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है कहीं नहीं मिलती है, कहीं कोई तारीफ करने वाला मिल जाता है कहीं चार गाली सुनाने वाला मिल जाता है। ये है मात्रा स्पर्श, नियंते इति मात्रा विषया, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का स्पर्श होता है, कोई गर्म कोई ठंडा शीतोष्ण और कोई सम, दोनों है इसमें, शीत है उष्ण है शीतोष्ण है, सुख है दुख है सुख दुख है, इनकी बात यह है कि कोई आ जाए सामने तो ये मत समझना कि अब सुख आया और हम हमेशा सुख में ही रहेंगे, ये नहीं, सुख में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सुख में सुख के वियोग का रस आना चाहिए, होवे तो सुख और उसमें ले सुख के वियोग का रस, ये मजा है, और आवे तो दुख परंतु दुख में दुख के वियोग का रस ले। आगमापायिना का अर्थ है बोलो, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते समय ही उनका जाना देख लो और जाते समय ही उनका आना देख लो, ऐसी नजर पैनी होनी चाहिए, ये भी नहीं रहेगा तो दुख में घबराएंगे नहीं, उद्विग्न नहीं होंगे और सुख में आसक्ति नहीं होगी। कस्यै कांतम सुखमुपनतम दुःखम एकांतत होगा, नीच ईर्गछत्युपरी च दशा चक्र नैमित क्रमेण, कालिदास बोलते हैं, एक कालिदास की वाणी,
उनको केवल कवि नहीं समझना। कालिदास के ग्रंथों में जो मंगलाचरण है वो दर्शन शास्त्र के सार हैं। वो बागर था वे संस्कृत शाकुंतल में दर्शन शास्त्र के विद्वान अनुभवी कसी कांतम सुखमुपल संसार में ऐसा कौन है जिसको केवल सुख ही सुख मिला हो। दुखम एकांत तो बा ऐसा कौन है जिसको केवल दुख ही दुख मिला हो। नीच ईर्गछ्युपरी च दशा चक्र ने विक्रमेण जैसे रथ का पहिया ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर घूमता रहता है ऐसे जीवन की दशाएं भी घूमती रहती हैं। ये जीवन है, जीवन है माने जल है, बहता हुआ पानी है। कहीं तट से जीवन माने जल होता है संस्कृत में हो, इसी के द्वारा मनुष्य जीता है इसलिए इसको जीवन कहते हैं, इसी से जन्मता है। पानी से ही पैदा होता है और पानी से ही जीता है इसलिए इसको जीवन संस्कृत भाषा में इसको जीवन बोलते हैं। नारम नीरम भुवन मुदकम जीवनीयम दकंच ये जीवन है। जीवन तो जीवन माने धारा, बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था सुख दुख। तब मनुष्यता कहाँ है, मानवता क्या है? बोले विकार हेतु सति विक्रियंते जे शाम न चेतांसी तएव धीरा। कालिदास बोलते हैं विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विकार से ग्रस्त नहीं होता वो धीर पुरुष है। चीर के निकल जाओ, तीर की तरह निकल जाओ, चीर के निकल जाओ, चाहे सुख की हवा हवे चाहे दुख की। यम इन व्यथयंते थे सुख भी बहुत व्यथा देता है और दुख भी बहुत व्यथा देता है, दोनों में व्यथा बराबर है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में प्रकाश बराबर है, दोनों में अंधकार बराबर है, सुख में भी व्यथा है। कोई जाके सुख देता है कोई आके सुख देता है, व्यथा तो दोनों में। यम इन व्यथयंते थे इसका नाम है पुरुष, ये है नर और ये है मानव। समदुख सुखम धीरम सोमृदत्वाय कल्पते जीवन का रहस्य ही ये है कि सुख में सटो मत और दुख से हटो मत, सुख से सट मत जाओ, जाएगा तो तुमको भी ले जाएगा, सटोगे तो जाएगा तो तुमको भी ले जाएगा, तो हटोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा, दुख पीछा करेगा। सामना करते हुए चलो, भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है मामनुस्मर युद्ध, पूर्ण परमेश्वर का स्मरण बना रहे और जीवन के संघर्ष में गीता संघर्ष में ज्ञान देती है। वो ये गीता का आप स्वभाव जानते हैं, युद्ध भूमि में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते दोनों ओर से शंख बज चुके हथियार चलने वाले, संघर्ष की भूमि में गीता ज्ञान का प्रकाश होता है। ये शांति में नहीं ले जाती, ये तो संघर्ष के जीवन में और आपको संतुलित करती है, जीवन को संतुलित बनाती है। तो बुद्धि योग अब आपको वो सब जो दर्शन शास्त्र की बात है ना कि जन्म मरण किसी का नहीं है, तो जरा ऐसा जन्म मरण किसी का नहीं होता। बंध्या पुत्र का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वह है ही नहीं, और आत्मा परमात्मा का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वो तो एक रस है, काल से परे है। ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सता, असत माने बंध्या पुत्र,
उसका भाव माने जन्म नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, उपलक्षित है। ना भाव विद्यते सतत सद वस्तु आत्मा है, उसका अभाव माने मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। तब फिर सुख दुख काय का, जन्म मरण तो अपने को छूता ही नहीं। और ये सब प्रसंग आपको आप कहोगे आप तो ऐसी भाषा में बोलते हो कि हमारी समझ में नहीं आवे। नहीं बाबा, हम अवच्छेद का अवच्छिन्न तो बोलते ही नहीं है आपके बीच में है? हम लोगों की जो एक मील लंबा विशेषण विशिष्ट भाषा होती है वो तो बोलते नहीं है। अध्यस्त अधिष्ठान प्रकारता निरूपित कहाँ बोलते हैं? तो आओ, सीधी बात है कि सत्य का जन्म मरण नहीं है और असत्य का भी जन्म मरण नहीं है। जब हम ये जानते हैं तो ये जो जन्म मरण संसार में दिखाई पड़ता है इसमें कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो। जय एनम वेत्ति हंतारम जस्ट इनम मन्यते अतम। न आत्मा मारता है न मरता है, जो मरना मारना मानता है वो अज्ञानी है। अज्ञान से ही मरना मारना मालूम पड़ता है। बहु तौन बिजानी तो नायम मंती न हन्यते। जानो अपने आत्मा को, वेदा विनाशिनम नित्यम जय एनम अजमपि। ये ज्ञान का दृष्टिकोण है। अपने को अविनाशी जानो। कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति अंतिकम। मरना मारना तो है ही नहीं, ये सात्विक दृष्टिकोण है। पर हम आपको सामान्य जीवन की जो बात है वो सुनाना चाहते। आपकी बुद्धि सही है ये देखें, ये भी बुद्धि योग के अंतर्गत है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बुद्धि योग के अंतर्गत है। इस ज्ञान को आप जान लो और निर्भय होकर अपना कर्म करो। अब दूसरी बुद्धि योग की एक दूसरी बात है, वो क्या है कि आप जो कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य आपको लगता है कि नहीं, और उसमें सुख दुख होता है। यदि आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो आप पाप और पुण्य को चीर कर निकल जाएंगे और वो आपको लगेगा नहीं। ये गीता का कहना है। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते। यदि आपको बुद्धि योग प्राप्त हो गया है, बुद्धि मिल गई, ठीक ठीक अक्कल, अपने को बेअकल तो कोई नहीं समझता, बोले हम ठीक ठीक आकलन करते हैं। आकलन शब्द जो बनता है ना, वो विदेश में जाके अकल हो गया हो, कहीं अकल हो जाता है कहीं नकल हो जाता है। देखो नकल है ना, नास्तिक कला जिसमें जिसमें कोई कला नहीं है उसका नाम नकल। दूसरे की देखी नकल कर लेते हैं। कलना ठीक नहीं हुई तो अकल, आकलन ठीक हो गया तो अकल। अब देखो बुद्धि कौन सी ठीक है। आप कर्म कीजिए लेकिन सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य यही के यही रह जाए, जहां के तहां रह जाए, वो आपके साथ न जुड़े। ये गीता का ज्ञान। आप देखो बुद्धि युक्तो जहाती हो यह जहाती उभे सुकृत दुष्कृत है। सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य, आप कर्म करेंगे अपेक्षा बुद्धि से। अपेक्षा बुद्धि से किया हुआ कर्म हृदय में अंतकरण में संस्कार उत्पन्न करता है। अपेक्षा बुद्धि समझो, आपकी आंख आपको नहीं दिखती है और
दूर की कौड़ी आपको दिखती है, अंधे हो गए हो, अपेक्षण ईक्षण अपगत हो गया, माने जांच पड़ताल जो आपके जीवन में रहनी चाहिए अप अपगतम ईक्षण अपेक्षण, आप अपने को नहीं देखते हैं, दूसरे को चाहते हैं, जब दूसरे को चाहते हैं और तब न्याय से चाहते हैं, अन्याय से चाहते हैं, उचित चाहते हैं, अनुचित चाहते हैं, आप मार्ग छोड़कर चाहते हैं, अपेक्षा बुद्धि से किया हुआ कर्म, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बुरा चाहिए भला चाहिए, बुरे की अपेक्षा है पाप उत्पन्न होगा, भले की अपेक्षा है पुण्य उत्पन्न होगा, परंतु अपेक्षा छोड़कर निर्द्वंद अपने कर्तव्य का पालन करते जाइए, कर्म संस्कार नहीं होगा। एक तो अपने में कर्तृत्व का अभिमान, दूसरे कर्म में आग्रह, तीसरे फल की आकांक्षा, अपने आप को भूल गए, अब कर्म आपके साथ चिपक जाए। सब कुछ कहानी किस्से में ही नहीं होता, कुछ लोक भोग्य होता है, कुछ विद्वत भोग्य होता है। जहां कर्तापन का अभिमान है वहीं कर्म संस्कार उत्पन्न करता है, फल उत्पन्न करता है, जहां कर्तापन का अभिमान नहीं है वहां कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं करता। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्तते नो कन्या नासौ तपते किमहं साधना करवम किमहं पापम करवम। तब कर्म करने में बुद्धिमान कौन है? पुरस्कार न मिलने पर आपको दुख होता है, सजा मिलने पर आपको दुख होता है? अरे बाबा पाप पुण्य को यही छोड़ दो, बाहर है वो, बाहर तुम्हारी आत्मा से पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, यह माने इसी लोक में पाप पुण्य को छोड़ दो धरती पर और तुम मिलके बैठो भगवान से, परमात्मा से, भगवान परमात्मा पूर्णता, व्यक्ति बुद्धि नहीं, परिच्छिन्न बुद्धि नहीं। अच्छा अब देखो दूसरी बात, आप बुद्धि योगी हैं इसकी पहचान क्या है? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मज जो फल हैं, आपकी बुद्धियोग की पहचान ये है कि आप अपने कर्तव्य पालन से तृप्त हैं, आप परमात्मा की सेवा से तृप्त हैं। एक गिलास पानी आपको पिलाते हैं, आप पिलाते हैं किसी को एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी पिलाने में जो आपके द्वारा सेवा संपन्न हुई और आगे के द्वारा आगे के लिए आपका आपकी आदत अच्छी बनी, क्या ये सुख नहीं है? वो जब आपको धन्यवाद देगा तब आपको सुख मिलेगा, धन्यवाद की अपेक्षा से, प्रशंसा की अपेक्षा से आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं। तो बुद्धिमान का स्वभाव ये है कि वो अपने कर्म की पूर्ण कर्म को ही अपने कर्म की पूर्णता को ही पूर्णता समझता है। हमने ठीक ढंग से अपना काम किया कि नहीं किया, वो काम करके हमारे हृदय में सुख हुआ कि नहीं हुआ। मनुस्मृति में ऐसे कहा हो यत् कर्म कुर्वतो यस्यात् परितोषोन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जये। आत्मतुष्टि का उदय होना चाहिए, कर्म का फल आत्मतुष्टि है, अपने में संतोष हो, हमने बहुत अच्छा काम किया,
वो हमारे द्वारा बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा काम करने से आपको सुख नहीं मिलता है, अच्छे काम की तनख्वाह अच्छी मिलने से आपको सुख मिलता है। राम राम, कर्म तो आपके शरीर में है और जो पैसा मिला आपको वो तो बाहर है, जड़ है। कर्म आध्यात्मिक है, आपके शरीर में रहता है कर्म, और जो उसका फल मिला वो तो बाहर मिला। बाहर की अपेक्षा भीतर को कम महत्व देते हैं आप। इसका क्रम है, वो अर्थ रहता है बाहर, बैंक में, तिजोरी में, कल कारखाने में अर्थ है। धर्म रहता है नारायण, काम रहता है मन में, भोग सुख जो है ना, काम सुख मन में होता है और धर्म सुख बुद्धि में होता है, और मोक्ष सुख आत्मा का स्वरूप है। अर्थ से काम अंतरंग है, काम से धर्म अंतरंग है, धर्म से ज्ञान अंतर्भूत मोक्ष अंतरंग है। ये चार पुरुषार्थ है। तो आपको अपना काम करके, कर्म पूरा करके जो सुख नहीं मिलता है, इससे बुद्धि में कुछ कच्चापन है। बोला एक घर में बच्चे थे, तो उनसे कहते कि माला फेरो, माँ बाप उनके तो नहीं फेरते। तो तय हुआ कि तुम लोग तीनों बच्चे बैठ के माला फेरो, जिसकी जितनी ज्यादा माला होगी उसको हर माला पर एक आना पैसा मिलेगा। अब महाराज तीनों बैठ गए और लगी होड़। हाँ, तो एक दिन किसी की चार माला ज्यादा हुई तो उसको मिला, दूसरे दिन किसी को चार हुई तो उसको ज्यादा मिला। तब उन तीनों ने सलाह की, बोले इस तरह तो होड़ लगा के हम लोग घाटे में रहते हैं, एक दिन तुम्हारी 20 माला ज्यादा होगी तो तुमको 20 आना ज्यादा मिलेगा, तो दूसरे दिन हम 20 माला ज्यादा कर लेंगे तो हमको 20 आना मिलेगा। आपस में सलाह कर ली हो, बड़े अकलमंद थे, अकल थे, अकल थे नारायण। तो ये जो फल को हम बाहर डाल देते हैं, हमें अपने अंतःकरण शुद्धि में फल नहीं दिखता है, अपने कर्म की पूर्णता में फल नहीं दिखता है, अपनी सेवा में सुख नहीं मिलता है, और दूसरी जगह सुख मालूम पड़ता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता नहीं फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो कर्म है उसमें सुख नहीं है, कर्मज जो फल है उसमें सुख है। लो, आप बुद्धिमान तब हैं, कब हैं बुद्धि योगी माना जाएगा आपको? बुद्धि योगी कब माना जाएगा? जदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यति। मोह माने मुह, वैचित्ति, चित्त की विपरीतता का नाम मोह है। दुख को सुख समझे, सुख को दुख समझे, अपने को पराया समझे, पराये को अपना समझे, सत्य को असत्य समझे, असत्य को सत्य समझे, धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे। मोह माने बुद्धि की विपरीतता। तो जब बुद्धि आपकी विपरीत नहीं होगी, वैसे परीत शब्द का अर्थ होता है पर्याय, अनुगत। जैसे आत्मा, जिस वस्तु में आत्मा क्षमा चम चमक रहा, जिस कर्म में परमात्मा आत्मदेव अपने निर्मल उज्ज्वल रूप में चमक रहे हैं, जिस कर्म में परमात्मा का निरावरण दर्शन हो रहा है, वो परीत कर्म होता है, परीत बुद्धि होती है, परीत। और जहां न आत्मा का दर्शन होए, न परमात्मा का दर्शन होए, न वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होए, उसको कहेंगे विपरीत बुद्धि, और उसका नाम है मोह। तो बुद्धि योग का लक्षण क्या है? बुद्धि योग का लक्षण है कि आप कहीं मोह के दलदल में न फंसे। नहीं तो दलदल का स्वभाव ये होता है कि पहले
तलवे तलवा पड़ा उस पर, फिर टखना गया, फिर पिंडा गया, फिर घुटना गया और फिर कमर गई, छाती गई। ये दलदल का स्वभाव यही होता है। तो मोह पहले आता है शगुनी पकड़ने के लिए, और वो पहुंचा पकड़ के बिल्कुल जेल खाने में, अंधकार में, घोर अंधकार में डाल देता है। इसलिए मोह अंधकार है। तो यदि तुम्हारी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती है, तब समझना कि हाँ अब अक्कल, अब बुद्धि जगी। ये आपको केवल नमूना बता रहे हैं कि गीता में आप देखिए बुद्धि का महत्व। केवल मान लो, केवल मान लो, केवल श्रद्धा कर लो, हैं? श्रद्धा का भी महत्व है। अपने स्थान पर श्रद्धा भी बहुत बड़ी वस्तु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धस्व सौम्य, श्रद्धां प्रातर अवामये, श्रद्धया सत्यम आप्यते। वेद में श्रद्धा की बड़ी महिमा है। लेकिन महाराज श्रद्धा के लिए भी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अस्थाने श्रद्धा हो जाती है। सकल सूरत देख के श्रद्धा हो जाती है, सकल सूरत देख के श्रद्धा होती है। बोले अरे राम राम। एक सज्जन यहाँ एक महात्मा का दर्शन करने गए, दिल्ली की ही बात है, उनकी सकल सूरत अच्छी नहीं थी महात्मा जी की, तो लौट के आए गए बोले राम राम। उनको देख के तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया। लोग अब उस सकल सूरत पर श्रद्धा करने के लिए गए थे, ज्ञान पर, गुण पर श्रद्धा करने के लिए नहीं गए थे। तो जो स्थानीय श्रद्धा होती है ना, वो बहुत दुख देती है। आओ भाई, वो दलदल से जब पार करोगे तो उसकी पहचान ही, वो सुने वो सुने वो सुने, हमने इतना सुना हुआ है, अपनी विद्या बुद्धि का भी अभिमान होता है। और आगे ये अभी सुनना है। अरे बाबा, जब बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसमें विपरीतता नहीं होती है, तो ज्ञान जन्य जो तृप्ति होती है वो सबसे बढ़िया होती है। अर्थ जन्य तृप्ति अलग है, भोग जन्य तृप्ति अलग है, ऐश्वर्य जन्य तृप्ति अलग है, और ज्ञान प्रकाश जदा सर्वेषु द्वारेषु प्रकाश हो जाए, सब इंद्रियों में प्रकाश है, प्रकाश जन्य तृप्ति है। न सुने हुए का अभिमान है, न जाने हुए का अभिमान है, न जानने की इच्छा है, शुद्ध स्वयं प्रकाश ज्ञान में बैठे हुए हैं, बुद्धि योगी है। ये अच्छा बोले भाई, बुद्धि तो होए परंतु एकाग्रता न होए, समाधि न लगे। तो बोले बुद्धि की एक पहचान है, असल में तुम्हारी बुद्धि जो डामाडोल हुई है, उसमें तरह तरह की बातों को सुनने का भी एक दोष है। दुनिया दो ही रास्ते से घुसती है, वो कुछ आंख के रास्ते से और कुछ कान के रास्ते से। तो आंख के रास्ते से घुसी हुई दुनिया उतना बेवकूफ नहीं बनाती है, आती है जाती है, आती है, पर कान के रास्ते से घुसी हुई दुनिया बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाती है। ये इतने ब्राह्मण में श्रुति है, यदा दो विवद मानो ये आता, यदि दो आदमी विवाद करते हुए आवे, एक कहता है मैंने सुना है, एक कहता है मैंने देखा, तो वहां सुने की अपेक्षा देखना अधिक प्रामाणिक होगा। वहां बिल्कुल निर्णय, वो चश्मदीद गवाह है,
और वो सुना सुनाया गवाह है। तो हमारी बुद्धि डावाडोल हुई कैसे, विकृत हुई कैसे? श्रुति विप्रतिपन्ना से यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला होती। ये जो सुन सुन के एक ने कहा महाराज परा वाणी तो मूलाधार में रहती है, वैखरी मध्यमा पश्यंती के क्रम से मूलाधार में पहुंच जाओ, वहाँ परावाक चिति रूपा है शक्ति, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। एक ने कहा नहीं नहीं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार ऊपर चलो, सहस्रार शून्य शिखर ऊपर परमेश्वर मिलेगा। अब महाराज एक साधक ने सुना, एक ने उसको कहा ऊपर मिलेगा, एक ने कहा नीचे मिलेगा, है? अब क्या हुआ, अब साधना क्या करे? इसी से दो गुरु के पास जो लोग जाते हैं ना वो गड़बड़ा जाते हैं। तो साधना का एक निश्चित क्रम होता है, एक दूसरे में नहीं मिलाई जाती। अनजान लोग सुन सुना के गड़बड़ कर देते हैं। तो श्रुति भी प्रतिपन्नाते जदा स्थास्यति निश्चला, सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई है, किसी चीज को नहीं पकड़ पाती है। दूसरों को चेला बनाने की इच्छा होती है, स्वयं अनुभव करने की इच्छा नहीं होती है। अपने अनुभव की स्थिति छूट गई और दूसरे को समझाने की वासना हृदय में आ गई। मतलब दूसरे लोग कैसे समझेंगे, बोले कहानी सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, हंसा दो, मनोरंजन कर दो। तो लोक भाग भोग की जो बात होती है वो एक दूसरी होती है, और विद्वत भोग की जो बात होती है वो एक दूसरी होती है। तुम्हारी बुद्धि तरह तरह की बात सुन करके विप्रतिपन्न हो गई है। ये जब एक निश्चय पर पहुंचेगी समाधा वचला बुद्धि, ये बुद्धि है वो गीता की बुद्धि है। बुद्धि गीता बुद्धि योग का ग्रंथ है, उसमें आत्मयोग है एक बुद्धि, उसमें समाधि योग है दूसरी बुद्धि, उसमें भक्ति योग है तीसरी बुद्धि, उसमें कर्म योग है चौथी बुद्धि। ये सब बुद्धि के ही स्तर हैं। उपदेश जो होता है वो ये करो ये मत करो, जो उपदेश है धर्म का उपदेश, वो भी समझने के लिए होता है। पहले समझ लोगे तब ये करो और ये मत करो उसके अनुसार आचरण करोगे। जितने उपदेश होते हैं, जितने वचन होते हैं, और वो बुद्धि को जगाने के लिए होते हैं। जो ये कहा जाता है ना कि अब व्याख्यान का समय नहीं है, अब तो करने का समय है, ये भी एक व्याख्यान ही है, बोला ये भी एक व्याख्यान है। तो बुद्धि में जब तक हेर फेर नहीं होगा, ये पार्टी वाले क्या करते हैं, लोगों की बुद्धि को ही तो फोड़ लेते हैं ना, अकल को फोड़ लेते हैं। कोई देने लेने से फूटता है, कोई तारीफ से फूटता है, कोई पद की ऊंचाई से फूटता है, फोड़ ही तो लेते हैं ना। तो कैसी समझ में फूट पड़ती है। इसलिए आपको धर्म का, मानव धर्म का एक रूप आपको सुनाता है। देखो तीन बात में किसी को शंका नहीं है, मैं हूं, मैं जानता हूं, और मैं अपने से प्रेम करता हूं। इसको शास्त्र की भाषा में सत चित आनंद बोलते हैं। मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी हो नहीं सकता। मैं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं ये भी जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं ये भी जानता हूं। तो जानने का कभी अभाव नहीं हो सकता। और मैं प्रिय हूं, मैं अपना अप्रिय हूं,
नारायण, सबकी अपेक्षा सबकी प्रियता अपनी प्रियता से सिद्ध होते हैं। अब ये हुआ एक दर्शन, अब इससे धर्म निकलता है। मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये अनुभव है, तब का मेरे रहने के लिए स्थान चाहिए, मकान चाहिए, हो मेरे रहने के लिए अन्न चाहिए, मेरे रहने के लिए वस्त्र चाहिए, मेरे रहने के लिए औषध चाहिए, है ना। जब मेरे लिए चाहिए तो दूसरे मैं के लिए भी यही चाहिए। तो अपने मरने का अनुभव ना हो तो दूसरे को भी मरने का अनुभव ना हो, ये धर्म हुआ। हम मृत्यु से न डरें क्योंकि सत है, तो दूसरे को मृत्यु से न डरावे ये सत है। दूसरे को मरने के लिए धमकाना या डराना या मारना ये अधर्म हो गया। तो हम जिए दूसरा भी जिए ये धर्म हो गया। तो उसको भी भोजन चाहिए, उसके लिए भी कपड़ा चाहिए, उसको भी मकान चाहिए, उसको भी दवा चाहिए, हैं? देखो हम जानते हैं, जानते रहना चाहते हैं, तो दूसरे को भी जानने देना चाहिए और दूसरे को भी जानते रहना चाहिए, तब हम बेवकूफ न बने, ये तो ठीक है। परंतु दूसरे को बेवकूफ न बनावे ये भी तो ठीक है, ये धर्म हो गया। हम जानकार रहें और दूसरे को भी जानकार बनावे तो धर्म क्या हुआ? विद्यालय चाहिए, वाचनालय चाहिए, सत्संग चाहिए, अपने बुजुर्गों का साथ चाहिए, ये धर्म हो गया। हो इसका नाम धर्म हो गया। देखो हम अपने से प्रेम करते हैं, कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो दूसरे को दुखी न बनाना ये धर्म हो गया। तो हम दुखी न हो, दूसरे को दुखी न करें, हम सुखी रहें और दूसरे को भी सुखी करें। इसके लिए महाराज आप लोग ये नहीं समझना कि सब बाबा जीओं का ही शास्त्र है, ये तो लोगों ने शास्त्र की व्याख्या समझने की कोशिश नहीं की, एक तरह के लोगों के हाथ में जाते हैं, निःश्रेयस पक्ष में व्याख्या चली गई, अभ्युदय पक्ष में व्याख्या शिथिल हो गई। धर्म के दो पक्ष है ना, जतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो एक निःश्रेयस मोक्ष को सिद्ध करने वाला धर्म और एक अभ्युदय को सिद्ध करने वाला धर्म। अभ्युदय भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना चाहिए, तब धर्म समग्र होता है। हमने अभ्युदय पक्ष को ढीला कर दिया, शिथिल कर दिया, तो हमको धन भी चाहिए, भोग भी चाहिए, जीवन में नियंत्रण भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए, हो मनोरंजन भी चाहिए, आयुर्वेद चाहिए, धनुर्वेद चाहिए। देखो गांधी जी जैसा अहिंसक, जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो सेना भेजने की सलाह देता है कि नहीं देता है, और जब देश में कोई उपद्रव होता है तो पुलिस को सेना को गोली चलाने का आदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आयुर्वेद भी चाहिए, धनुर्वेद भी चाहिए, स्थापत्य भी चाहिए, हो कला कौशल ये भी चाहिए, और गांधर्व भी चाहिए, नाचना आवे, गाना आवे, बजाना आवे, अभिनय करना आवे, इसको बोलते हैं गांधर्व वेद, ये भी आनंद की वृद्धि समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बाबा देखो धर्म तो बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट है, जीवन अपने जीवन दूसरे के जीवन के लिए आवश्यक, अपने ज्ञान और दूसरे के ज्ञान के लिए आवश्यक, अपने सुख
और दूसरे के सुख के लिए आवश्यक, और भेद जो है भेदन छेदन, आत्मा का स्वभाव है अभेद, किसी को फोड़ो मत स्वयं फूटो मत, मिल के रहो मिला के रहो, इसका नाम होता है समाज। समाज समम सहयुग एक साथ, अजन्ति जत्र अजन्ति गच्छन्ति, जिसमें सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की सुविधा हो, उसका नाम होता है समाज। समाज माने सबको एक साथ जीने की, पढ़ने की, सुखी होने की, उन्नति करने की, सबको एक समान सुविधा प्राप्त होए। अब वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करेंगे वो बात दूसरी है, लेकिन रुकावट ना हो, सुविधा में रुकावट ना हो, भोजन सबके लिए हो, वस्त्र सबके लिए हो, विद्यालय सबके लिए हो, औषधालय सबके लिए हो, संगीत शाला सबके लिए हो, इसमें भेद न हो अभेद हो, ये धर्म के चार मूलभूत मौलिक रूप हैं, और इनसे 16 कलाओं का विस्तार होता है। तो मानव धर्म गीता में मानव धर्म नारायण अब कल सुना।